हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ फेडरेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा मेरे को मेल आई है, क्योंकि मेरा एडमिशन वहीं से हुआ था। उन्होंने मेरे को क्लियरली मेंशन किया है कि आप अपनी प्रोफाइल को या अपनी फाइल को विड्रॉ करा लो, जिससे आपका रिजेक्शन ना हो। तो आप देख सकते हैं कि फेडरेशन यूनिवर्सिटी हाई वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट फ्रॉम सर्टेन रीजन्स इन इंडिया। तो फेडरेशन यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि जो नए एडमिशन है और जो जिनके एडमिशन हो चुके हैं उन्हें भी आगे नहीं ले रही है। तो बहुत ही बुरी खबर है स्टूडेंट्स के लिए, और जिन्होंने भी अप्लाई किया फेडरेशन यूनिवर्सिटी के लिए तो बहुत ही बुरी खबर है। इससे बेटर ऑप्शन है कि आप कनाडा अप्लाई कर दो साथ के साथ में, जिससे आपका टाइम खराब ना हो, ज़्यादा गैप ना हो आपकी स्टडी के बीच में। तो मेजर रीजन्स तो यही है कि फेक फंड्स आ रहे हैं बच्चों की तरफ से और फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। इस चक्कर में, इस पूरे सर्कल में क्या है कि आपका ना जो एक फ्रेश स्टूडेंट है जिनके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, फंड ओरिजिनल है, उनकी भी प्रोफाइल को वो आगे नहीं ले रहे हैं। तो आई थिंक जुलाई इनटेक तो हो नहीं पाएगा, ना ही अक्टूबर इनटेक के भी रेयर चांसेस हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हो जनवरी फरवरी इनटेक के लिए। तो मैंने भी कनाडा अप्लाई कर दिया है, तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कनाडा के ऊपर ही आएगी। मेरा ऑफर लेटर आ चुका है लगोमा यूनिवर्सिटी से। तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको पता चलते रहे कि अब कनाडा के लिए क्या प्रोसीजर होगा। मैंने हर चीज़ें अपनी जो पॉसिबल थी वो मैंने कनाडा के लिए की, और मेरा ऑफर लेटर आ चुका है। तो दो दिन के बाद मैं अपनी फ़ीस सबमिट कराऊँगा। तो बेटर ऑप्शन तो फ़िलहाल यही है, जिससे मेरा गैप ना बढ़े। तो और आपका क्या राय है आप कमेंट्स करके बता सकते हो। मेजर रीजन्स तो ये आ रहे हैं कि फेक फंड्स हैं और फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, मेनली हरियाणा पंजाब यूपी। तो देखते रहिए मेरी यूट्यूब वीडियो को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।